राज बाल के पद की समाप्ति की सिफारिश थी, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दिया जाए, ये बातें। अब देखो मैं पूरी भारत के संघवाद के चरित्र को बता देता हूं आपको। भारत का जो संघवाद रहा है तो यहां पे खास करके 1950 और से लेकर के 1967 1967 से लेकर के 1980 और 1980 से लेकर के 2000 और 2000 से लेकर के 2020 की बातें हम कर लेते हैं। आयोग सारा मैं बता देता हूँ केंद्र राज्य संबंध पर। क्योंकि देखो यहाँ पे जो देखने को मिलता है एक दलीय प्रभुत्व रहा है भारत में 1950 से 1967 के बीच में, एक दलीय प्रभुत्व देखने को मिलता है, केवल कांग्रेस का प्रभुत्व था। तो यहाँ पे आपको केंद्र राज्य के बीच में तनाव देखने को नहीं मिलेगा, ज्यादा झगड़ा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये वाला काल जो है 1967 में क्षेत्रीय दलों का उदय होता है, और जैसे ही क्षेत्रीय राजनीति का उदय होता है तो क्षेत्रीय राजनीति का उदय इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम हुआ केंद्र राज्य तनाव, है ना, केंद्र राज्य तनाव, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में तनाव होना शुरू हो गया। और तभी आप देखोगे 1980 में तो ये चीजें बिगड़ जाती हैं, तब पहली बार 1983 में यहीं पे देखोगे 1971 की बात है, राज मन्नार समिति का गठन किया जाता है। इसके द्वारा राज मन्नार समिति गठन किया गया था तमिलनाडु सरकार के द्वारा, इस बात को ध्यान में रखना है। दूसरा है 1977 और 1977 में आनंदपुर शाही प्रस्ताव आया था, और ये भी आनंदपुर जो ये आनंदपुर शाही प्रस्ताव है ये भी किसके लिए आया है, सेंटर स्टेट रिलेशन पर भी लाया गया था। तो ये भी ध्यान रखना, ये भी सेंटर स्टेट रिलेशन सब पर ही लाया गया था। 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पर चर्चा करने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया केंद्र राज्य संबंधों पर चर्चा कर सके, और ये अपना जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट 1987 में पेश किया था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये तो इस काल में है, लेकिन 1990 के बाद देखते हैं भारत में 1990 के बाद गठबंधन की राजनीति का उदय होता है, और जब गठबंधन की राजनीति का उदय होता है तो केंद्र में राज्य के साथ जो केंद्र में जो केंद्रीय राष्ट्रीय दलों के साथ साथ राज्य का दल भी भाग लेना शुरू हुआ, है ना। तो केंद्र में क्या हुआ, केंद्र में बड़े दलों के साथ साथ जो राज्य के दल थे वो भी भाग लेना शुरू हुए। तो आपको देखने को मिलता है कि गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ, और जब गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ तो यहाँ पे केंद्र चुनाव कम हुआ। फिर 2000 और फिर 2006 में याद रखिएगा कि पुंछी आयोग का गठन किया गया था, ये भी जस्टिस एम पुंछी की अध्यक्षता में पुंछी आयोग गठित किया गया था केंद्र राज्य संबंध पर। केंद्र राज्य संबंध पर पुंछी आयोग का गठन किया गया था। तो ये सारे आयोग आपको याद रखने कि कब कौन सा आयोग गठन किया गया है केंद्र राज्य संबंधों को लेकर के। और ये जो मैंने कहा कि राज मन्नार समिति ये तमिलनाडु के द्वारा गठित किया गया था, तमिलनाडु सरकार ने इसे किया था केंद्र राज्य पर सुधार सुझाव देने के लिए, ठीक है। लेकिन सारी बातें याद रखना चाहिए कि कब कैसे क्या हुआ, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव, राज मन्नार समिति, सरकारी आयोग और पुंछी आयोग, ये किस प्रकार चीजें, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि भारत में गठबंधन की राजनीति का हुआ। गठबंधन समझते हो ना, गठजोड़ की राजनीति, आपने राजनीति सिनेमा देखा होगा, और राजनीति सिनेमा में गठबंधन का बड़ा बढ़िया उदाहरण मिलता है ना, बेचारा रणबीर कपूर का प्यार अधूरा रह जाता है, हालांकि अब तो उसका प्यार पूरा हो गया, और अभी हाल ही में उनकी शादी विवाह भी संपन्न हुई है। तो आपने राजनीति सिनेमा से सीख सकते हो कि किस प्रकार राजनीति चलती है, तो गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ और ये सारी चीजें देखने को मिलती है। क्या था, केंद्र राज्य संबंधों की जांच करने के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। सरकारी आयोग देखो हुआ क्या, इस बात को समझो, जैसा कि मैंने बताया 1950 से लेकर के जो 1960 का काल है, 1967 का काल है, ये कैसा काल है, इसे देखा जाए एक दलीय प्रभुत्व देखने को मिलता है, एक दलीय प्रभुत्व देखने को मिलता है, यानी कि केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर दोनों स्तरों पर केवल और केवल केंद्र की सरकार देखने को मिलती है। दोनों स्तर पर केंद्र के साथ साथ राज्य के स्तर पर कौन सी सरकार, केवल कांग्रेस की सरकार देखने को मिलती है। तो यहां पर कोई विवाद होता भी था, कोई मतभेद होता भी था, तो उसे दल के आधार पर सुलझा लिया जाता था, वो एक राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बन पाता था, केंद्र तनाव नहीं बन पाता था। लेकिन 1967 के बाद क्या हुआ, योजना आयोग की जो बातें बड़ी है ना, मेरी क्लास कब तक चलेगी, आज मेरी क्लास 11 बजे तक चलेगी, उसके बाद अरुण सर कंटिन्यू करेंगे। मैं एक दलीय प्रभुत्व की बात कर रहे थे, मेरी शादी करवाने का जिम्मा आप लोगों पे है, आप लोग मेरे लिए उचित वधु का चयन करना, उचित वधु समझते हो ना, हाँ, तो बस चयन करना है। तो एक दलीय प्रभुत्व है। 1967 के बाद क्या हुआ, 1967 के बाद भारतीय राजनीति में परिवर्तन देखने को मिलता है, और यहां कहते हैं क्षेत्रीय दलों का उदय, यानी कि रीजनल पार्टी का उदय हुआ। रीजनल पार्टी का उदय के पीछे का कारण क्या था, रीजनल पार्टी के पीछे के उदय का जो कारण था वो एक बड़ा कारण था, और वो विशेष कारण ये देखने को मिलता है कि असमान विकास का स्तर, तो असमान विकास होने की वजह से यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो क्षेत्रीय दल जब उभरा तो क्षेत्रीय राजनीति आया, और जब क्षेत्रीय राजनीति आया तो राज्यों के स्तर पर क्षेत्रीय दलों दल सरकार में आए, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये 1967 से लेकर के खास करके 1990 वाला जो काल है, ये किसे आप कह सकते हो, ये केंद्र राज्य के बीच का तनाव का काल है, केंद्र राज्य तनाव देखने को मिलता है। और इसमें से भी फिजिकली आपको एक बात समझना है, 1980 वाला काल, और इस बीच में जो खूब ज्यादा जोरदार प्रयोग किया, आपको पता है ना, इसलिए रखना कि भारत में एक आपको पता है जानकारी क्या लगाया गया था, तो 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था, ना कब लगाया गया था, 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया गया था, ये भी बात ध्यान रखना है। तो आपातकाल कब लगाया गया था, 1975 में लगाया गया था, 1975 में आपातकाल लगाया गया था, आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। तो होता क्या है मित्र, जब हम इस बात को देखें, जब सरकार बदलती है 1978 में जनता पार्टी की सरकार आती है, जनता पार्टी की सरकार ने 9 राज्यों की कांग्रेस सरकार को क्या कर दिया था, गिरा दिया था, बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया, और जब 1980 में कांग्रेस की सरकार पुनः सत्ता में आई तो फिर से 9 जो जनता पार्टी शासित राज्यों को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया। पूरी बात आप डायग्राम में ध्यान रख सकते हो, ये केंद्र राज्य संबंध के लिए बनाया गया था, इसे हम क्या कहते हैं, सरकारी आयोग कहा जाता है, ठीक है ना, बनाया गया जिसे कहते हैं जस्टिस रोहिणी आयोग। जस्टिस रोहिणी आयोग का गठन किया गया है, और शिक्षा स्तर के लिए आपको पता है कस्तूरी रंजन रिपोर्ट आया, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है